हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप मुझे इस हाल में देख सकते हो। मेरी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुझे अभी 4 बॉटल सैलून लगा है। 3 बॉटल सैलून ख़त्म हो गया है और ये लास्ट बॉटल वाला है। आपको मैं क्या ही बताऊँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें घर में ही डॉक्टर बुलाना पड़ा और समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। अचानक से पता नहीं ये सब क्या हो गया। और अभी भी मेरी हालत जो है, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। अभी भी मेरी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी वाला फील हो रहा है। और 3 दिन से मैं बेड पर ही हूँ। ये दिन तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। ये दिन था शुक्रवार और इस दिन को मैं क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, पहली बार इतने बॉटल सैलून लगे थे मुझे, वो भी अचानक से। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, बहुत ज़्यादा डर भी गए थे। फिर मैं आपको ये विस्तार में बताऊँगी कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या था, हुआ क्या है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइज, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर को बुला के हमने दिखाया, बहुत सारे हमें मेडिसिन दिए गए हैं मेरे लिए खाने के लिए, जो कि ये है। सारे ये मेडिसिन्स मेरे हैं जो कि मैं अभी खा रही हूँ। और सच में ये मेडिसिन ना बहुत ज़्यादा कड़वा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मुझे खाना ही होगा। और ये देखो, और भी है, ये सब भी, ये दवाइयाँ भी मुझे खानी ही है किसी भी हाल में, क्योंकि मेरी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बहुत सारी दवाई दिए गए हैं जो कि मुझे खाना होगा। अगर मैंने नहीं खाया ना तो पता नहीं क्या होगा फिर। मैं खुद भी नहीं जानती, तो मैं डर के वजह से ही खा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जो मुझे बोला है तो अब मुझे खाना ही होगा। वैसे मैं दवाइयाँ ना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बीमार होने के बाद, ठीक होने के बाद मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मुझे खाना ही होगा, किसी भी हाल में खाना होगा, क्योंकि मेरी परिस्थिति, मेरा सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि अगर मैंने दवाई नहीं खाया ना तो क्या ही मैं बताऊँ आपको। और आपने तो आगे क्लिप देख ही लिया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं मैं बेड पे थी। और आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर जाऊँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तो हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने। मैं ना गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और हम निकल रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए बाहर, फ्रेश हवा खाने, गाजर डोबा की तरह, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घर में बैठ बैठ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और मुझे परसों छूट भी जाना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि ना शरीर में वो एनर्जी नहीं मिल रही है कि मैं शूट कर पाऊँ। और शूट में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होता है, कपड़े ड्रेस चेंज करो, एक सीन के बाद दूसरा सीन करो, इधर इस कोने से देखो उस कोने पे जाओ, तो मेरे शरीर में उतना एनर्जी है नहीं। और मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड पे कि एक्चुअली मुझे क्या हुआ था, ठीक है? फिर आपको पूरा वीडियो देखना होगा, मैं आपको बताऊँगी विस्तार से भी एक्चुअली मुझे क्या हुआ था, मुझे किस वजह से मैंने सैलून लिया और मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। मम्मी का पीछे आई बंदे ना ना, तो बना ना ब्लॉग, बना ना ब्लॉग, बना ना बड़ा मत बना, वो क्यों बन ये तो के ही मैं इंटरेस्ट दिखा दे ना, ब्लॉग तो बना कम से कम सब पे मत। और ये है, आपको पता ही है कौन है, मम्मी घर पे है, क्योंकि फिर अभी संध्या का टाइम हो जाएगा ना, तो इसी वजह से मम्मी को मैंने दिया नहीं, बात भी करने की एनर्जी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए हम जा रहे हैं,
था काजल दुबे जाने का, और ना यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रास्ते में बहुत सारे इंसान दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना आज संडे है और सब लोग घूमने जाते हैं काजल दुबे में। तो मैंने हम सोच रहे थे कि क्या हुआ, तब पता चला कि नहीं आज तो संडे है, सब लोग तो जाते घूम कर ही आते हैं। काजल दुबे बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा फेमस है। आप गेस करो ये गाना किसने गाया है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ ये गाना किसने गाया होगा। सुनो ठीक है, अच्छे से सब लोग घूमने मस्ती मारने और हम भी आ गए चिल करने। ये है देवा का बड़े पापा का रेस्टोरेंट, ये ठीक है, और ये रिसोर्ट भी उसका ही। देवा का नाम लिया देवा, यही है भाई जी बोल रहे हैं, यही है देवा। क्या है ये? क्या कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस। तो मैंने बोला ये देवा का पापा का रेस्टोरेंट है, बड़े पापा का रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट, तभी देखता है देवा बोलता है हेलो भाई जी। रील्स जाओ इंस्टाग्राम में देखो, तेरा इंस्टाग्राम का नाम बोल, @deva4476। ऐसे नाम मत रखा करना, सिंपल इट्स देवा रख। तो 1234 ऐसे क्यों रखता है, कौन तेरा 1234 सर्च करता रहेगा? थोड़ा कर लेना, मैं देख रहा हूँ वहाँ दूर से देख रहा हूँ गाड़ी, थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर देखा कि ब्लॉग कर रहा है पीछे से, तब समझ गया कि ये लोग भी आया था रील्स बनाने के लिए। और यहाँ पे मिल गया, अब हम जाएंगे ऊपर, थोड़ा जाएंगे थोड़ा, मैं पैदल पैदल चलूँगा, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत चलने से भी मेरा शरीर जो है ना कैसा ही लग रहा है, वीक वीक। काजल दुबे ये बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है यहाँ पे, क्योंकि इसके वजह से ये जो ब्रिज बना है ना, इसके वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हावड़ा को ब्रिज जैसे सुन रिया रिया बोला था ना, काजल दुबे हावड़ा ब्रिज। ये देखिए ये कोलकाता वाला ब्रिज टाइप का है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देख सकते हो आप भी, आप देख सकते हो सब लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, खतरनाक वाला व्यू आ रहा है। ये देखिए इस टाइप का है, इसलिए शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है गाइस। ये कोलकाता वाला फील देता है, लेकिन एक्चुअली कोलकाता वाला ब्रिज ना इससे भी भयंकर है, इससे भी बढ़िया, इससे भी मस्त है। ये तो कुछ नहीं है, ये फिर भी कुछ तो है, घूमने तो आ ही सकते हैं हम लोग। सिलीगुड़ी में भी है क्या दिक्कत है ना, मस्त लग रहा है ना, भीड़ देखना, भीड़ देखना। चलो हवा खाने आए हम लोग। ये देखो आप दिखा देते हैं, दो मेरा आखिरी को देख सकते हो, तबीयत थोड़ा खराब था तो शूट भी नहीं कर पा रहे हम लोग। कितना दिन हो गया हम लोग शूट नहीं कर रहे? दो तीन दिन, आज लेके तीन दिन हो गया। फ्राइडे शुक्रवार संडे, फ्राइडे शनि रवि, फ्राइडे शुक्र शनि रवि, साइड साइड। बाल बुल पूरा खराब हो रखा है राखी जी का, ठीक है, ऐसे उठ के आ गया, एनर्जी मिला थोड़ा सा तो आ गया घूमने। मैं थोड़ा घूमूंगी ना, थोड़ा फ्रेश हवा खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तीन दिन होने के बाद अभी जब मैं चल रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे धक्का दे रहा है। चल होता रहता है, चलो वही सब देखते रहो, पूरा धमाका धमाका आने वाला है।
पाटून घूमने आ गया तू? बोल दे कुछ यहाँ पे, घूमने आ गया तो बोल कुछ। अरे बोल कुछ, घूमने आया मैं यहाँ पे तो आप रील्स बनाऊंगा। बना ले थोड़ा सा, बना ले रील्स बना। यहाँ पे जोर जो भी रील्स बना सब वायरल होता है। राखी जी बना लो एक पूरा नाचते नाचते। मेला देखोगे ये देखो मेला, मेरा मेला भाई। भीड़ जो है ना खतरनाक पूरा। बंद कर दे तो नटरा बोल रहा है, नटरा बोल के खिलाएगा। देखो नटरा बोल दिया भाई जी ने, अब आइसक्रीम खिलाएगा हम लोगों को। आ गया फ्री में, मुफ्त में मिल गया आइसक्रीम वहाँ पे। फ्री में खाएंगे अब आइसक्रीम। पटल क्या खाएगा बोल? बादाम वाला था, बादाम वाला, बादाम वाला। पटल क्या खाएगा? कौन सा वाला खाएगा? कौन सा वाला बोल? कॉर्नेटो खाएगा? कॉर्नेटो या आइसक्रीम? आइसक्रीम बर्फ सब खाएगा, सब खाएगा। हाँ पटल सब खाएगा। क्वालिटी मस्त आ रहा है भाई, थोड़ा व्यू भी देख लो। क्या 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 खा रहे हो? क्या खा रहे हो? फिर बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा तब? बुखार नहीं है मुझे। नहीं है ठीक है, अगर आ जाए तो और चार दिन छुट्टी ठीक है। तो ये देखो भाई दिखने में तो मस्त लग रहा है। ए पाटुल खा लिया, पाटुल खा लिया, ये पाटुल खा लिया। देखो राखी जी का मुंह का रिएक्शन देखिए। हम लोगों का तो मस्त है, हम लोगों का ये वाला सही है। सही नहीं है दे में तुझे देता है। मुझे देखिए दे वाला ये दवाई दवाई लग रहा है, मस्त भी आ रहा है देवा। मस्त है, मस्त मस्त है देवा। इस ब्रिज के बारे में कुछ बता, यहाँ पे ब्रिज बनाने से क्या होता है? ये है गाजलडोबा हावड़ा ब्रिज, मैंने सुना है किसी से गाजलडोबा हावड़ा ब्रिज है। पापा भाई आप देवा की बात पे सहमत है? देवा के बाद आप सहमत है? इस ब्रिज में जो भी रील्स बनाता है वायरल होता है, तो हम लोग का ये ब्लॉग वायरल होगा। देखी सर लिंजो खुला तो छे तर पैसा सब्जी बाजार का नया सब्जी बाजार। लड़का तेरा मामू का होटल
ये देवा का मामू का होटल, ये रहा देवा का मामा। वही तो मजा है, वही तो मजा है। देखो कितना भीड़ है यहाँ पे, ये खाने के लिए कौन है लीची अरे यहाँ खाई ना, लोकल कौन है ना, लोकल बेच देना, लोकल बेच देना, सस्ता वाला दिखा, छोटा दिखा। हाँ ऐसे लीची खोज, लीची तो है नहीं, तरबूज है, तरबूज 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 लीची लीची कत कर 110 টাকা কিলো, একটা মধ্যে 1 কিলো আছে, নাপা আছে 110 টাকা 100 টাকা, আমারে উঠে লাভটা কি লোকাল নিয়ে মিষ্টি আছে, মিষ্টি আছে মিষ্টি, দেখি একটা দেখি টেস্ট করে। पापा जी ने क्या खाया, इधर देख इधर देख इधर देख पापा इधर देख, ये खा लिया भाई पूरा, मुंह दिखा मुंह दिखा मुंह दिखा भाई, लोगे तो लो, अरे है देख 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 भाई, इसका तो खत्म, ये खत्म, अरे ले लो मिर्च, ये भाई खत्म, ये खत्म हो गया भाई पूरा। हाँ ठीक है, सच में खा लिया ना, चला खावा जावे, खावा जावे ना, आग देखो इसका, आग आग दिखा, आग दिखा भाई, रो डाला लो, रो डाला लड़का, हो गया पूरा, सही है भाई, आ गया आ गया। मैं ना यहाँ से सिर्फ एक केकड़ा दिख रहा हूँ, केकड़ा केकड़ा भाई, लोकल लीची, ये देखिए लीची मेरे को तो मीठा नहीं लग रहा, उतना मीठा नहीं है इसलिए तो लोग, बहुत ज्यादा तीखा है, झालना लोकल मछली यहाँ से पकड़ता है, यहाँ से आपको नहीं पता मछली है ये की महाशोल, रूपचंदा ये खाता है राखी थी, ये कांचा खाने से कुछ भी नहीं होगा, ये अगर अगर तुमने पकड़ के खाया ना तो ये ना इतना लगेगा ना, ये राखी दी लोग ना, ये पूरा खाता है, पूरा खाता है, कच्चा कच्चा खाता है, इससे इतना बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा जो होता है वो खाता है ये लोग। पाटिल खाता है ना, कैसे कैसे लगता है, आधा इतना छोटा खाता है वो, बीच
वो खाता है ठीक है। अंडा दिख रहा है भाई, देसी मुर्गी का अंडा। सब कुछ हो गया है, देवा भी चला गया है ठीक है, उसके बड़े पापा के वहाँ, और हम लोग भी घर जा रहे हैं। और यहीं पे हो, यहीं पे किए को मेरे एंड हो जाओ, घर जा रहे हैं ठीक है। घर जाके हम बताएंगे आपको कि क्या हुआ था मुझे, एग्जैक्टली क्या बीमार हुआ था। देखो देखो देखो, ओए ओए ओए, तेरा डर लग दे ना। और एक और इसको देख, ये दोनों बहुत बदमाश है। ये माई का बेटा है ना, ये इसका माँ है। मम्मी बेल बजा ना, बेल बजा, बेल ना बजा रहा, ढंग ढंग मम्मी गरीब बसा, बेल ना बजा रहा। कस्तो मजाको स्मेल आउँदैछ। ये देखो गाइस, मम्मी आम का अचार बनाए, और यहाँ देखिए मिर्च का अचार। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, और मैंने पानी पी लिया, हाथ में धो लिया है। और मैं आपको बताऊँगी कि मुझे एक्चुअल में क्या हुआ था। मुझे हो गया था डायरिया ठीक है, और डायरिया मुझे लाइफ में पहली बार हुआ है। सुबह में उठी, बीबार को बृहस्पतिवार को हम लोग सूप पर गए, वहीं से ही मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा था। उसके बाद मैं घर आए, उस दिन हमें जिम पे बुलाया गया था, मतलब विक्रम भाई का जिम का उद्घाटन था तो बुलाया था, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि मेरा तबीयत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ ना, मैं सुबह रात को सोई, और मैं जब उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, और मुझे उल्टी आ रहा था। इधर पेट भी दर्द हो रहा था और उल्टी भी आ रहा था, पॉटी भी आ रहा था और उल्टी भी आ रहा था एक साथ में। तो मैं पहले तो वॉशरूम गया ठीक है, मैंने पॉटी करा। तो उसके बाद मुझे उल्टी आने लग गई, फिर मैंने उल्टी करा ठीक है। मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, गैसेस हो गया होगा तो उल्टी हो रहा है। तो उल्टी होने के बाद फिर मुझे टॉयलेट जाना पड़ा, फिर मैं टॉयलेट गया, फिर मुझे उल्टी आ रहा है। मैं टॉयलेट में बैठ रही हूँ और मुझे उल्टी आ रहा है वहीं पर। उसके बाद फिर मैंने उल्टी करा, और अब नहीं हो रहा था क्योंकि एक से उल्टी हो रहा था, और उल्टी जो है ना बहुत ही भयंकर उल्टी हो रहा था, भयंकर। तो दो बार उल्टी करते ही मेरा जो है, दो बार उल्टी करा, तीन बार पॉटी करा, उसके बाद ही मेरा तो शरीर एकदम छूट गया है मेरा। फिर भी नहीं हो रहा था, फिर भी मुझे ना क्या हो रहा था कि फिर उल्टी ही आ रहा था, और इधर मेरे को पॉटी भी हो रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और उसके बाद दीपक ने कहा कि हॉस्पिटल जाओगे, क्योंकि सब लोग डर चुके थे क्योंकि बहुत भयंकर हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर बुलाने गए, डॉक्टर बुला के लेकर आए, देखा उन्होंने, बीपी एकदम लो था मेरा, क्योंकि मैं एकदम अभी ना, मैं खाना मैंने बहुत छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मोटी हो रही हूँ, और मैंने खाना एकदम कम कर दिया था, खाना ही नहीं खाती थी मैं। इस वजह से हीमोग्लोबिन जो भी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और खून नहीं है शरीर में ठीक है, और बीपी एकदम लो हो गया था, उसके ऊपर से डायरिया, उस वजह से मेरा जो शरीर जो है काम ही नहीं कर रहा था। और डॉक्टर बुलाने के बाद मुझे सलाइन चढ़ा 4 बॉटल, उसके बाद में मुझे इंजेक्शन भी पड़ा, उसके बाद मुझे बहुत सारी ढेर सारी दवाई दी जो अभी मैं खा रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे, आपने देखा ही होगा। बहुत सारे विटामिन दिए गए हैं मुझे क्योंकि मेरा बीपी एकदम लो है, और मैं बहुत अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ, शरीर में मेरा जो है ना, मेरा खून नहीं है, ब्लड नहीं है। तो ना आप भी देख भी सकते हो थोड़ा, मैं अभी भी मेरा चेहरा जो है येलो लग रहा है, क्योंकि खाना क्या हुआ था ना, मैंने खाना एकदम ही कम कर दिया था, खाना मैं खाती ही नहीं थी, तो खाना ना खाने की वजह से कमज़ोर, ऊपर से डायरिया, तो इस वजह से बहुत भयंकर हो गया था। फिर भी डॉक्टर बुलाने के बाद भी मैंने इंजेक्शन लिए, मैंने दवाई खाई, मैंने 4 बॉटल सैलून लिया, फिर भी मुझे उस दौरान भी मुझे बार बार मैं टॉयलेट जाती रही, बार बार 4 से 5 बार मैं टॉयलेट ही गई, क्योंकि उस दौरान भी, क्योंकि मेरा रुक ही नहीं रहा था, उल्टी थोड़ा कम हो गया था लेकिन रुक ही नहीं रहा था। फिर मैंने उल्टी आने वाला जैसा होता है, लेकिन कुछ खाया नहीं तो उल्टी करूँगी क्या। उसके बाद मैं उठी, सलाइन खाने के बाद मैं उठी, उसके बाद मैंने कुछ खाने के लिए मुझे कहा गया था, तो थोड़ा सा गीला भात जो है वो मैंने खाया था, वो खाते ही फिर से मेरा उल्टी हो गया, सब कुछ उल्टी हो गया, और मैं फिर वीक हो गई। उसके बाद ना फिर वीक हो गई, तो
बोला कि चलो फिर आज के दिन देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे ना रात को फिर से मुझे खाना खाना था, तो रात को फिर मेरी दवाई जो थी वो खाना मुझे पड़ा था, तो दवाई थी तो खाना ही पड़ेगा थोड़ा सा। फिर से मैंने ना क्या करा, मैंने खाना खाने का मन नहीं करा, दो बिस्किट जो था न्यूट्रोचॉइस था शायद में भी ये वाला बिस्कुट मैंने खाए दो, उसके बाद मैंने दवाई खाई। उसके बाद ना अब मेरा माथा दर्द स्टार्ट हो गया। उसके बाद से फिर से मेरे पेट में वही वाला पता नहीं एक ऐसे वाला काटने वाला जो था, टॉयलेट गई उसके बाद बैठी, नहीं हो रहा है। अब मेरे को उल्टी आ रहा है, ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश करा कि मैं उल्टी ना करूं, क्योंकि मैं उल्टी कर करके मैं थक चुकी थी। और मम्मी ने कहा कि ये नींबू का जो है वो थोड़ा सूंघ ले, तो मैंने वो सूंघे, नहीं हो रहा था। उसके बाद मम्मी ने कहा पान का पत्ता मुंह पे रख ले तो उससे भी थोड़ा उल्टी नहीं आएगी, रखा, नहीं हो रहा था। उसके बाद जो भयंकर वाला उल्टी हुआ ना मेरे, मुझे उसके बाद मेरा एकदम मेरा बॉडी एकदम, उसके बाद मैं ऐसे हो गई। तभी विक्रम भाई आया था, विक्रम भाई ने कहा कि बहुत हालत ख़राब लग रहा है राखी दीदी का, विक्रम दीपक भाई एक काम करते हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो दीपक ने भी कहा हाँ, मैं भी यही बोल रहा था सुबह से कि चलो हॉस्पिटल वहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैंने मना करा कि नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, एक दिन देखूँगी। तो फिर विक्रम भाई ने सब ने कहने लगे कि रात को अगर कुछ हो गया तो तब हम क्या करेंगे ना, हॉस्पिटल में अगर कुछ भी होता है तो वो देख लेंगे, हमें हॉस्पिटल पहुँचते ही तो लेट हो जाएगा, तो चल चलते। मैंने फिर भी कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो उस दिन फिर मैं नहीं गई। फिर मैं रात को सो के सुबह उठी तो थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था, लेकिन कुछ भी खा रही थी तो थोड़ा उल्टी लग रहा था। तो मैंने दवाई ववाई भी खाया फिर से, ठीक है। और अभी भी आज 4 दिन हो गए, आज तीन दिन हो गए, अभी भी मेरा शरीर ना ऐसे, कुछ भी खाती हूँ तो जब खाती हूँ थोड़ी देर तक ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जी मचलता है, मतलब मुझे खाने का वो निकालने का मन कर रहा है, मतलब फिर भी मैं जैसे तैसे रह रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल मैं शूट कैसे करूँ, क्योंकि वीडियो है नहीं मेरे पास और मैं थक भी जा रही हूँ, क्योंकि ना शरीर में एकदम भी एनर्जी नहीं है, एकदम एनर्जी लो है, विटामिन्स की दवाई खा रही हूँ पता नहीं फिर भी एनर्जी नहीं है। तो गाइस यही हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये खाना छोड़ने के चक्कर में मैं भी ऐसा हुआ है। तो अब से मैंने डिसाइड करा कि मैं खाना खाऊँगी। और इतना ही था आज का, ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। चलो चलते, बाय बाय, आई लव यू ऑल।